दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद मामला काफी बढ़ गया है। एक ओर तमाम छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, वो लगातार इस मामले में प्रशासन से कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि हम इस मामले पर काम कर रहे हैं, उपराज्यपाल ने इनकी बातें सुनी और समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में छात्रों ने क्या कहा, सुनिए। जो हमको नहीं मिली है इसकी वजह से हम अभी तक धरने पर बैठे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका तोड़ निकल जाए, तो हमारी जो है लगातार बात जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई एक फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो है हमारे जो डिमांड्स हैं उसमें भी हमारा जो है थोड़ा बहुत जो है अब हम शायद थोड़ा चेंज वगैरह लाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स जो है वो उनका करंट स्टेटस जो है कुछ चल रहा है, जैसे कुछ डिमांड्स जो है वो पूरी करने की जो है कोशिश की जा रही है या उनकी शुरुआत हो गई है, तो उस वजह से जो है हमारे अभी डिमांड्स का जो डायनामिक्स है वो भी चेंज हो गया है। अब हमें देखना है कि हमारी डिमांड्स किस स्टेज तक पहुँची है, कब तक हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो यस, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम बैठे थे यहाँ पर अनशन पर और उससे पहले भी जो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने बैठे थे, तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया था कि वी विल बी वेरी पीसफुल बिकॉज वी आर एस्पिरेंट्स एंड हमारा जो है सिस्टम को हिलाने का तरीका जो है वो थ्रू हमेशा पैसिव रिस्ट्रेंट ही रहा है। एंड शायद क्योंकि हम जो है कल से अनशन पर बैठे हैं, तो होपफुली जो है इसका आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा और हम जो है अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके वी विल बी एबल टू नेगोशिएट बेटर व्हेन इट कम्स टू आवर डिमांड्स। देखिए, जो डिमांड पूरी हो रही है उसका आश्वासन हमको दिया गया है। आश्वासन अब लिखित में है या मौखिक है, ये हमको जो है ये देखना है कि उसके कितनी गहराई है। अगर हम मौखिक आश्वासन पे बिलीव करें तो हम किस तरीके से करें, और अगर वो लिखित में है तो उसके क्या जो है जरिए हो सकते हैं या वो उसको कितना टाइम लग सकता है। हमको अब जो है एज अ स्टूडेंट बॉडी हम उस चीज़ पर देखकर सोच समझकर हम लोग जो है उसके बारे में एक सोच विचार कर रहे हैं कि हमारे जो डिमांड्स है वो वेदर दे आर फुलफिल्ड और नॉट, इसका भी स्टेटस जो है अभी तक हम लोगों को पूरा नहीं मिला है। लगभग हमारे 13 से 18 जो हम छात्र और छात्राएं हैं जो अनशन पर बैठी हैं। हाँ, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम निर्जल अवस्था में बैठे हैं, यानी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम पानी नहीं पिए। अच्छा, इसके अलावा ये कि रास्ता जो है वो खोला गया है। पुलिस ने हमें ये कहा था कि इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके से पब्लिक लाइफ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करे, और ख़ासकर स्कूल के बच्चों के लिए तो हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि गर्मियों के दिन है और कड़ी धूप में छोटे बच्चे जो है वो लंबा रास्ता लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रोटेस्ट का जो है पर्पस वो उनके लिए हानिकारक रहेगा। तो एक घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ जब तक स्कूल के बच्चों का आने या जाने का टाइम है तब तक के लिए हमारा गेट ओपन रहेगा, उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको दोबारा बंद करेंगे। सर, आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है। सर, वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर, आश्वासन सर संस्कृति आईएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसा गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें इस बार भी, हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा है इस बात का? आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी, तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए। उससे एक दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स से उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर, ये इतना छोटा मुद्दा है,
सर ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर, ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें? सर ये तो हम बहुत कम स्पेस लिए हैं, ये तो सर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए सर, कि एक 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 जान की भी कीमत होती है सर। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कल दोपहर 3 बजे से हम, मैं भी इंक्लूडिंग मी, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब हंगर स्ट्राइक पे हैं, विदाउट वाटर, ठीक है। बट देर हैज बीन नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, ना MCD से कोई आया है, ना ही यहाँ के काउंसलर आए हैं, ना ही यहाँ के MLA आए हैं, ना कोचिंग सेंटर से कोई भी नेगोशिएट करने के लिए। एटलीस्ट वो हमारी डिमांड सुनने तो आ सकते हैं। आपने बोला कि LG ने एक मीटिंग कंडक्ट की, तो मीटिंग के मिनट्स तो हमें मिलने चाहिए ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, तो हमें कैसे पता होगा कि हमारी डिमांड्स वहाँ पे रखी गई हैं, नहीं रखी गई हैं। हमारी यही, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जो भी बैठा है उनकी ये डिमांड है, और वो रखी गई है नहीं रखी गई वो तो तब पता चलेगा ना जब हमारे पास मीटिंग के मिनट्स आएंगे। ना यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में प्यासे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, बट जो यहाँ पे MCD के लोग हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं मौतों के बाद में। आज ORN है, मुखर्जी नगर में भी ये चीज़ हो चुकी है। स्टूडेंट की लाइफ की कोई कद्र है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो वहीं अब इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, एक तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे कई तरह के गलत मैसेजेस चल रहे हैं, जो कि इन लोग उसको ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ले लीजिए, बायोमेट्रिक्स रिलेटेड ले लीजिए। तो एक तो इनको हम लोग कोशिश करें कि फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से पता हो। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से जो भी एक्शंस वगैरह हो रहे हैं वो भी इनको बताने की कोशिश हो रही है, इंक्लूडिंग जो जुडिशियल जो संज्ञान लिया गया है इसके बारे में। इसके अलावा इनसे हम लोग ये बात कर ही रहे हैं कि आपकी जो भी कंसर्न्स हैं वो करेक्ट अथॉरिटी एंड एजेंसी उसको एड्रेस करने के लिए काम करेगी। कल इवनिंग में एक मीटिंग भी ली है ऑनरेबल LG साहब ने, जिसके अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, उन्होंने बड़े पेशेंटली पूरी बात सुन के और उनके रिजोल्यूशन के लिए जो भी दिशा निर्देश वो दे सकते हैं, आई एम श्योर उन्होंने दिए हैं। तो ये इनको यही बताने की कोशिश है कि इनकी सारी कंसर्न्स के ऊपर एक्शन इनिशिएट किया जा रहा है बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।